माहौल अगर ऐसा है कि तुरा कोरोना पे गेलोगे बाप रे गेल ले गेल ले ओकरा तखने कहलकै तखने गेल ले एक भी व्यक्ति छूटा सुरक्षा तंत्र टूटा। ये टीका अगर आप नहीं लेंगे तो आप भगाएंगे कैसे? तब तो उसका जो नाम है कोरोना कोई रोने वाला नहीं रहेगा, रहा न कुल कोई रोवन हारा, ये हाल हो जाएगा। हम सब आदमी जानते हैं कि हम सब आदमी एक आपदा के दौर से गुजर रहे हैं और आपदा एक वैश्विक आपदा है। हम जिस महामारी से हम सब आदमी आज लड़ रहे हैं ये बताने की ये कहने की अब ज़रूरत नहीं है कि इस महामारी ने हम लोगों के विकास को कितना पीछे धकेला है। पूरी प्रशासनिक व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हैं, हमारा मेडिकल सिस्टम अस्त व्यस्त है, व्यापारियों का व्यापार अस्त व्यस्त है, दैनिक मजदूरी अस्त व्यस्त है। मतलब चारों तरफ हम आपदा से घिर चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में हम सब आदमी अपने थोड़ा थोड़ा सहयोग करके इस आपदा को हम लोग कम कर सकते हैं, हटा सकते हैं, भगा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी अभी बाधा ये उत्पन्न हो गया कि अभी सरकार द्वारा वैक्सीनेशन कार्यक्रम को बहुत व्यापक पैमाने पे शुरू किया गया है। हम लोग भी सब आदमी के सहयोग से शुरू हुआ, क्योंकि जब वैक्सीन आई तो एक साहस आया कि हम आपदा में डट सकते हैं, खड़ा हो सकते हैं, लड़ सकते हैं। अब सब आदमी जानता है कि इस कोरोना महामारी से लड़ने का क्या साधन है हम लोगों के पास, और इस लड़ते लड़ते हम लोगों ने कितने बंधु को खोया है। अगर हमारे वैक्सीनेशन सेंटर पे नहीं पहुंची है तो हो सकता है कि वो कुछ अपने कामों में उलझे हो, तो अब टीकाकरण करने की टीम उनके पास जाए, मतलब उनके गांव में जाए। इसलिए एक टीका वाहन शुरू हुआ जिसका आज सातवां या आठवां चरण है, आठवां दिन है। तो हम लोगों ने टीका वाहन शुरू किया, लेकिन जब शुरू किया हम लोगों ने तो इसका जो रिजल्ट हम लोगों ने देखा बहुत आश्चर्यजनक लगा, बहुत आश्चर्य लगा कि रिजल्ट, अब इसमें रिफ्यूजल के मामले बहुत ज़्यादा आने लगे। जब सरकार घर तक वैक्सीनेशन कराने की सुविधा उपलब्ध करा रही है फिर भी वैक्सीनेशन लोग नहीं ले रहा है, जबकि ताजुब की बात ये है कि इसी देश में कोई ऐसा भी जगह है जहां वैक्सीन के लिए तरही मांग है और हमारे यहां रिफ्यूजल बहुत है। इसका जब हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे जब हम लोगों ने पता कराया, सर्वे कराया कि आखिर क्या कारण है कि इतनी बड़ी महामारी में भी लोग वैक्सीन लेने से इनकार कर रहे हैं। अब यहाँ पे कई तरह की बातें सामने निकल के आई, कई तरह की भ्रांतियाँ गांव में घरों में प्रवेश कर चुकी हैं। गांव में हर घर के में ऐसा मतलब भ्रामक बातें घर घर में पहुंच चुकी है कि आश्चर्य लगता है कि जो डॉक्टर्स की टीम ने, जो MBBS की टीम ने बनाया इस दवा को, चाहे इस पूरे प्रोटोकॉल को,
इसको धराशाही करने के लिए सिर्फ चंद बातें लोगों को मिली, या जो कार्यक्रम शुरू हुआ है कि जो जितने भी जाने माने डॉक्टर्स की टीम बनकर के जो गांव में जा करके, जिसकी शुरुआत आज बीरपुर से हो रही है। जानते हैं कि लगभग मार्च 2020 से हम लोग कोविड की वजह से बहुत, सभी लोग बहुत परेशान हुए हैं। आप लोग भी जो अपना जो साधारण जन साधारण है, हम उनका काम भी अस्त व्यस्त रहा है, तो स्वास्थ्य विभाग को भी जितना कैपेसिटी है उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। ये सब आप लोग जानते हैं, अप्रिशिएट भी करते होंगे होपफुली। लेकिन कोविड टीकाकरण जो है वो एक प्रकार से ब्रेक थ्रू है। ये पूरे पैंडेमिक तो समझ रहे हैं, जो हमारा कोविड का जो महामारी जो फैली हुई है उसको बचाने, उसमें जो लोग मर रहे हैं, तो मरने से बचाने के लिए कोविड टीकाकरण जो है वो बहुत कारगर पाया गया है। एक भी व्यक्ति छूटा, सुरक्षा तंत्र टूटा, और हर व्यक्ति को लेने के लिए कित टीका है। पूरे विश्व में आज तक टीका के कारण एक भी डेथ रिकॉर्ड नहीं है। टीका के कारण कहीं भी एक भी डेथ रिकॉर्ड नहीं है। भ्रांति है तीन चार। नंबर वन, इस टीका के कारण एक कॉम्प्लिकेशन है जो 100 में 1% को होता है, वो है बॉडी पेन, लो ग्रेड फीवर, जो 24 आवर्स में ख़त्म हो जाता है। वो भी 100 में 1 या 2 आदमी को होता है। ये हर टीका के साथ होता है। इसके सिवा और कोई दिक्कत नहीं होती है। एक भ्रांति चल रहा है कि टीका लेने से कई लोग मर गया, लेकिन आज तक किसी ने कोई सही रिकॉर्ड नहीं दिया कि कौन आदमी टीका लेने से कहां मर गया। आप समझ रहे हैं, ये केवल हल्ला है कि टीका लिया फलना आदमी मर गया। हाँ, 1-2 केसेज ऐसा हुआ है कि टीका लिया आज अकल्ले से उसको भी था, हार्ट अटैक था और कोई बड़ी बीमारी थी, 2 दिन के बाद उस बीमारी के कारण कहीं कुछ हो गया, लेकिन टीका से कहीं आज तक पूरे विश्व में कहीं कुछ नहीं हुआ। तीसरी बात है कि ये ऐसी बीमारी है जिसको हो जाता है तो वह, उसको अगर वह बच जाता है तो समझिए वह ईश्वर उसको बचा लिया। अभी तक इसका परफेक्ट इलाज नहीं निकल सका है, तो इसका परफेक्ट इलाज नहीं है, तो इसका इलाज दो ही है, बचाव, एक ही इलाज है। अब बचाव में 2 चीज़ है, जो मास्क पहनना, डिस्टेंस रखना, हाथ धोना, या टीका लेना, टीका ले लेना। टीका के बाद आप पूर्णतः सुरक्षित हो जाते हैं। हाँ, टीका के बाद कुछ लोगों को टीका लेने के बावजूद भी हो गया है या रिकॉर्डेड है। तो उसमें होता क्या है कि आपके पास सुरक्षा दी गई है, 5 सिपाही, आपका दुश्मन आया 25 सिपाही लेके आपके देह पर, है ना। तो वैसे जैसे वायरल ओवरलोड जिस व्यक्ति को आपके सुरक्षा तंत्र से ज़्यादा हो गया उसको पकड़ता है, लेकिन आपका 5 जो सिपाही है वो सरकारी नहीं है, वह आपके लिए पारिवारिक सुरक्षा है और वह आपको जी जान से मेहनत करता है। तो जो जो लोग लिए हुए हैं टीका, उनका डेथ रेट कम है, नहीं के बराबर है। तो टीका लेने के बाद अगर किसी को हो जाता है तो उसमें डेथ रेट नहीं होता। इसीलिए दूसरी एक और भ्रांति है, हम लोगों का समाज, हमारा देश इसलिए बर्बाद हो रहा है कि हम लोग कहीं हिंदू मुस्लिम, कहीं फॉरवर्ड बैकवर्ड, कहीं किसी बात पर, कहीं धनी गरीब, इसके संघर्ष में एक दूसरे का गलत गलत मैसेज फैलाते हैं। किसी ने कह दिया कि इससे इनफर्टिलिटी डेवलप करती है, लेकिन इससे कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मैं
मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी पुतौ, मेरी बेटी, हर कोई ले चुके हैं दो दो टीका। अगर कोई भी इसमें गड़बड़ी होगा तो कम से कम हम नहीं लेंगे। हम आपको इसलिए लेने के लिए कहते हैं कि पहले हम ले चुके हैं, और आपका दायित्व, अगर आपको अपने अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए जरा भी प्रेम है तो आप अपने ही नहीं लीजिए, आप पहले अपने लीजिए, अपने परिवार को दिलाइए और समाज के हर एक व्यक्ति को दिलाइए। टीका से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बस सुरक्षा तंत्र नहीं टूटना चाहिए। हम लोग 100% रिजल्ट दें ताकि हमारा जिला विश्व में एक स्थान रख सके, क्योंकि आप जानते हैं बेगूसराय जिला सब अन्य जिला की अपेक्षा इकोनॉमिकली, मेडिकली, शिक्षा के लेवल पर, बुद्धिजीवी के लेवल पर सब जिला से आगे है, तो कोरोना में भी सबसे ज़्यादा आगे है। पटना के बाद सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड केस हुआ है तो बेगूसराय में ही हुआ है, तो सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने की भी शक्ति हम लोगों में होना चाहिए। हम सब मिलके चाहेंगे, इसको कंट्रोल करेंगे, इसका कोई धार्मिक लेना देना नहीं है, इसका कोई जातीयता लेना देना नहीं है, कोरोना का कोई जाति नहीं है, ऐसे भी क्रिमिनल का कोई जात नहीं होता है ना, उसी तरह कोरोना की कोई जाति नहीं है, किसी घर में कहीं किसी को हो सकता है। हम बस इतना कहेंगे, अब आपसे निवेदन करेंगे कि कोरोना संबंधी और वैक्सीन संबंधी जिन किन्हीं को कोई जानकारी लेनी हो तो हमारे एक राय, एक एक व्यक्ति का सवाल का जवाब देंगे, हम लोग भी देंगे जो भी हो। ये कोई विचार का विषय नहीं है। टीका तो पहले भी हमको याद है, छोटे छोटे थे तो 1000 का टीका लेकर आता था, तब ले कबड्डी पार स्कूल से पकड़ पकड़ के लाता था। लेकिन अब जो इसका भ्रम फैलाया जा रहा है वो बेतुका है, बिल्कुल बेतुका। हेलो, बिल्कुल बेतुका है भ्रम जो फैलाया गया है। अगर आप 2-4-5 मिनट आराम से सुनेंगे तो आपको कुछ लाभ ही होगा, वो बिल्कुल बेकार है। ये कहना कि किसी को बच्चा पैदा करने की शक्ति कम हो जाएगी, बेकार की बात है। जान चली जाएगी, बेकार की बात है। हाँ, टीका लेने में मेरा ये मानना है और ये बात सही भी है कि आप टीका जब भी लें आप पूर्ण स्वस्थावस्था में लें। जैसे आपको सर्दी खांसी है, एक आध हफ्ता रुक जाइए, बुखार चल रहा है रुक जाइए, टीका तब लें आप जब पूर्ण स्वस्थ। और ये टीका अगर आप नहीं लेंगे तो आप भगाएंगे कैसे? तब तो उसका जो नाम है कोरोना, कोई रोने वाला नहीं रहेगा, रहा न कुल कोई रोवन हारा, ये हाल हो जाएगा। और अगर टीका लेने से कोई मर जाता है तो हम लोगों का नब्ज छू के देखिए जिंदा है कि मरल है, आदमी है कि भूत है। 25 जनवरी को पहला टीका लिया, 22 फरवरी को दूसरा टीका लिया। तीसरी बात, मास्क लगाना, 2 मीटर की दूरी रखना, हाथ को साफ रखना, ये सब फिर भी महत्व रखता है। लेकिन इसके अलावे कोई हथियार एक है तो बड़ा हथियार है टीका। ये हथियार भी लेना, यह हथियार भी चलाना जरूरी है। और कई तरह के सवाल खड़े होते हैं मन में, जैसे इस बार डॉक्टरों का डेथ ज़्यादा हुआ पहले वाले से, लेकिन ये कोरोना भी बदमाश टाइप का है, ज़्यादा होता है ना भाई कि कोई ज़्यादा बदमाश है कोई कम है। जैसे हम बहुत गुस्साएंगे तो हल्ला करेंगे, कुछ लोग होंगे जो ज़्यादा गुस्साएंगे तो लाठी पर चलाएंगे, और कुछ लोग हैं ठें 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 गल ले, तो ये बदमाश टाइप का है। कोरोना ही म्यूटेट कर गया है, इसकी ये ताकत है कि ये म्यूटेट करता रहता है, इसलिए थोड़ा कैजुअलिटी ज़्यादा हुआ है। दूसरी बात जो अहम होती है इन बीमारियों में वो होती है कि आप कैसा माहौल बनाते हैं।
माहौल अगर ऐसा है कि तुरा कोरोना पा गल लोगे बाप रे बा गल ले गल ले ओका देखने कहल के तखने गल ले। इसलिए आप सब लोगों को अभी तो जितनी आबादी है यहाँ बैठी हुई उनको टीका लेने कहने से काम नहीं चलेगा। वो टीका वॉरियर बने, टीका के प्रतिनिधि बने और अपने नेतृत्व में कम से कम 11, 11, 25, 25 लोगों को टीका दिलवाएं। जो प्रबुद्ध वर्ग है आपका, जो डॉक्टर्स हैं, अच्छे अच्छे जो आपके बुद्धिमान लोग हैं, 65 से ऊपर वाले, 45 ऊपर वाले, सब लोग तो ले रहे हैं, तो आप क्यों पीछे हटेंगे? आपकी ज़रूरत मुझसे ज़्यादा है। आप युवा हैं, आप लंबे समय तक देश का साथ देंगे और एक टीका लगवाने से 5 जगह मलहम लगेगा, आपका, आपके परिवार का, आपके समाज का, आपके राष्ट्र का और मानवता का। अगर एक खास परसेंटेज में आप टीका नहीं लेंगे, 75-80% लोग अगर एंटीबॉडी पॉजिटिव नहीं होगा, हर्ड इम्यूनिटी नहीं होगा, बार बार कोरोना आएगा। और आपको मालूम है कि जो स्पेनिश फ्लू जो 1918 वगैरह के आसपास आया था, पहला विश्व युद्ध के बाद, उस समय 6 करोड़ लोग मरे थे जब आपकी आबादी बहुत कम थी। 1918 की बात कर रहा हूँ, 6 करोड़। 3 वेव आया था, दूसरा वेव सबसे ज़्यादा डेथ किया था। उस सबसे सीख लेने की ज़रूरत है और हमें टीका लेना है, समझदारी लाना है, बहादुर बनना है, मजबूत बनना है। आपके बीच हम लोग आए हैं, हम लोग पहले ले चुके हैं, अपने परिवार को दिला चुके हैं, तब आपके पास आए। इसके लिए इस पर चिंता नहीं करना। हर घर घर में बीमारी है, बच्चा से बूढ़ा तक। बच्चा जब पेट में आता है माँ के घर में, उसी समय से बीमारी शुरू हो जाता है। पेट में ही सुई देना पड़ता है कि हम इसलिए देते हैं कि बच्चा को निकलने के बाद उसको कोई बीमारी ना हो, इसलिए पेट में टीकाकरण का काम करते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं, सभी लोग जानते हैं, देना पड़ता है। क्यों देते हैं? आपको तो पता नहीं है कि पेट में जो सुई पड़ेगा क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों पर, माँ पर क्या प्रभाव। लेकिन चिकित्सक के सलाह पर पूरे हिंदुस्तान के लोग देते हैं कि मेरा बच्चा स्वस्थ निकले। फिर भी हम उसको बच्चा को स्वस्थ बनाने के लिए तरह तरह का अलग अलग टीकाकरण देते हैं। अभी डॉक्टर नली बाबू बता रहे थे कि टीका 5 का टीका पहले पड़ता था, वो टीका पड़ना लगा क्या, टीका से कई पल्स पोलियो का टीका पड़ता था, आज पल्स पोलियो विकलांगता का दर, पोलियो का दर घट गया। साथ पूरे हिंदुस्तान में आप देख लिए कि पोलियो बहुत कम लोग को मारता है, ये बता रहे थे डॉक्टर साहब। जो डॉक्टर एके राय आपके बीच बातचीत कर रहे थे तो बता रहे थे, घबराने की जरूरत नहीं है। अक्सर हाँ, कोरोना में जितने भी लोग मरे हैं पूरे हिंदुस्तान का आंकड़ा में सामाजिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आपके नज़दीक पेश कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोग मरे हैं वो टीका के दवाई से ज़्यादा भय से मरे हैं। क्या सही है गलत है? भय लोगों को बहुत ज़्यादा हो गया है। अब लोग एक घर में कोरोना हुआ तो बच्चे में जितने परिवार हैं जिनको पता चल गया कि पेशेंट को आपको कोरोना हो गया, तो भय से तो पहले उनका घर अकड़ जा धक 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 करने लगे, मैंने उनका डर से हो गया। आप परिवार वाले का ऑक्सीजन लेवल डाउन कि अब तो गया मेरा परिवार का एक गार्जियन, ये ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है। ये क्या चीज़ है? ये भय से पैदा होता है। तो पहला चीज इस बात को कि हम टीकाकरण ले रहे हैं स्वास्थ्य बनाने के लिए, अपना इम्यूनिटी पावर को मजबूत करने के लिए, ना कि डरने की जरूरत है। ये तो खुशी की बात है, हम टीका लेकर के खुश हो रहे हैं कि हम आप टीका ले लिए, हम आप स्वस्थ रहेंगे, हमको कुछ नहीं होने वाला। ये भय सब लोगों को मारा। अभी जो भाई साहब बता रहे थे कि फलाना आदमी मर गया, फलाना नहीं मर गया, ये भय जो है कितने लोगों का जान ले लेता है। अगर अभी आपको कहा जाए कि आपके घर में कोई आदमी का हार्ट अटैक हो गया तो भय पैदा हो जाएगा कि अब हम कौन डॉक्टर साहब संपर्क करें, तुरंत कौन मदद करेंगे। ये भय चीज जो है, भय को रोकना पहला चीज। दूसरा, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने टीका है, आपके शरीर का इम्यूनिटी पावर को डेवलप करता है। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की चीज़ है। इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ेगा? तो अपने जीवन में खुशहाली लाइए, तनाव मत, तनाव मुक्त रहिए। अगर तनाव भी, अगर कोई बीमारी आ गया तो आपको 100 काम आप करते हैं तो मुझे 101 काम इलाज कराना, ये भी एक काम है, तनाव नहीं हुआ है, जिसमें जाने पर मानसिक क्षति, आर्थिक क्षति, बच्चों की पढ़ाई क्षति, फैमिली क्षति, खाली क्षति ही क्षति है। तो आपको जो रास्ता पसंद है वो रास्ता आप चलिए।
सुरक्षित चाहते हैं तब सरपट भागिए, अन्य तो गड्ढा वाला रास्ता में जाइए। हम यही निवेदन करेंगे कि सुरक्षित रास्ता पर चलिए। धन्यवाद। शिरोरु वाहवे सहस्त्र नामने पुरुषास्वते सहस्त्र कोटि युगधारी ने नमः। आज बहुत सारी भ्रमित बातें फैलाई जा रही हैं, उसमें मुख्य रूप से हमारी संस्कृति, हमारी धार्मिक परंपरा भी उसमें किसी न किसी रूप से समाई हुई है। आज विश्व संगठन जो है वो हमारे प्रति चिंतित है, डॉक्टर बड़े बड़े हमारे लिए चिंतित हैं, सरकार हमारे लिए चिंतित है। आखिर क्यों, आखिर ये क्या वजह है? हम बीमार हैं, हम मर जाएं, हम चले जाएं, हम मिट जाएं, मेरा नाम निशान मिट जाए, आखिर इन लोगों को क्यों चिंता है? चिंता इसलिए है कि हम मानव हैं और मनु की औलाद हैं, हमारे अंदर मानवोचित गुण होना चाहिए। बड़े आपने पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा, मनुस्मृति का नाम सुना होगा आपने, वेद का नाम सुना है। आखिर वेद लिखने वाले ने वेद क्यों लिखा? सारे बुद्धि अपने पास रख के चले जाते, मगर उन्होंने लिखा। वेद व्यास ने लिखा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं प्रोपकारा पुण्य आया पाप आया प्रपीडनम। आज हमको भी इस बात को अपने मन में शक्ति देना चाहिए और जागृत करनी चाहिए और आगे बढ़ करके ये जो भ्रामक बातें फैली है। बेगूसराय के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर नली रंजन एके राय और साथ ही साथ बीरपुर की स्वास्थ्य टीम और बीरपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी और अन्य गणमान्य लोगों के बीच में आज कोरोना से बचाव को लेकर जो वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता का एक अभियान जिला प्रशासन के द्वारा, रेड क्रॉस के द्वारा जो शुरू किया गया था, आज इन्होंने पब्लिक से संदेश साझा किया, अपील किया कि आप किसी भ्रम में ना आए, किसी संदेह में ना आए, जो भ्रामकता फैलाई जा रही है उससे बचें। टीकाकरण हमें कोरोना से बचाता भी है और हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाकर उससे लड़ने की शक्ति भी देता है। मैं गौरव कुमार पाठक केवी स्टूडियो के माध्यम से आप सबों से यह अपील करता हूँ कि आप भी वैक्सीन लगाएं, अपने बगल वाले को वैक्सीन के लिए जागरूक करें। कैमरामैन शिवम के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो, बेगूसराय।